मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देंगे, अगर आपकी कर्क लग्न है या आपकी कर्क राशि है तो मार्च के महीने में किस प्रकार से आपके दुख समापन की ओर रहेंगे, क्या क्या बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेंगे, इस मार्च में कैसा रहेगा आपका कैरियर, धन की स्थिति और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, सबकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी लग्न कर्क है और राशि कोई और है तो दोनों का वीडियो देख लेना, और दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो जो मैं उपाय बताता हूँ वो आप लग्न कुंडली के अनुसार यदि करेंगे तो आपको तुरंत फायदा देखने को मिलेगा। जानकारी देते हैं कि प्लेनेटरी पोजीशन कैसी रहने वाली है। तो इस मार्च के महीने में गुरु का गोचर आपके दशम भाव में यथावत है, राहु केतु भी यथावत गोचर कर रहे हैं, राहु 12वें में है और केतु वहीं पे आपके तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं। सूर्य देवता 14 तारीख तक तो शनि को अस्त किए हुए हैं, ये आपके सातवें भाव में रहेंगे, लेकिन 14 तारीख के बाद अपने स्थान से सब सप्तम का योग बना करके सूर्यदेव बैठ जाएंगे, यानी कि अपने भाव पर ही दृष्टि डालना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बुध का जो गोचर है यह आपके भाग्य भाव पे रहेगा और भाग्येश बैठे हैं दशम भाव में, इसका मतलब ये है कि बुध देव भी नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में बनाने जा रहे हैं और ये 7 मार्च को नीच भंग राजयोग बनाएंगे और लगभग पूरा माह नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा। शुक्र और मंगल दोनों की जोड़ी 7 तारीख से लगा करके पूरा महीना रहने वाली है आपके अष्टम भाव में। मंगल 15 मार्च को कुंभ में जाएंगे, शुक्र 7 मार्च को जाएंगे, 2-3 दिन का आगे पीछे रहेगा। तो ये है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशिफल। नौकरी करने वालों को घबराने का आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके दशम भाव पे गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और दशमेश मंगल अपने स्थान से एकादश बैठे हुए हैं, तो आपकी नौकरी ठीक ठाक तरीके से चलती रहेगी, लेकिन नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज इस समय मिलने में थोड़ा आपको बाधा उत्पन्न होगी। बाकी जो आप नौकरी कर रहे हैं यथावत करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समुचित मात्रा में बॉस उच्च अधिकारियों का साथ आपको मिलता रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। पूरा मार्च 1 से 31 ग्रहों की चाल आपकी फेवर करती रहेगी, व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा उच्च शिक्षा में समुचित लाभ मिलेगा। अगर बात करें यात्राओं की तो जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी अगर कर्क लग्न या कर्क राशि है तो आप यात्राएं करिए, यात्राओं में भी स्थिति आपको अनुकूल बनते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर प्रेमी जोड़ों की बात करें तो जो भी प्रेमी जोड़े हैं उनका प्रेम ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है बहुत खराब नहीं है, 50-50 रहने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो यहां पर थोड़ा माइनस पॉइंट बन जाता है कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। अगर ऐसी कोई समस्या बनते हुए आपको दिखाई पड़ती है और आपकी कर्क लग्न है तो या आपकी कर्क राशि है तो शनि देवता के मंत्रों का थोड़ा बहुत आप जप कर लेंगे तो इस समस्या से आसानी से आप बाहर आ जाएंगे। बात करें
उन व्यक्तियों की जो संतान के लिए परेशान है, तो मैं बता दूं अभी संतान प्राप्ति में आपको वक्त लगेगा, संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है, 1-1.5 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता रहेगा, बढ़िया साथ देता रहेगा, ये एक प्लस पॉइंट है, इसका आप लाभ उठा सकते हो, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्येश अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं, यानी कि दैवी कृपा बना रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में लिप्त हैं या इन चीजों की वजह से परेशान है, शत्रुओं से जो बहुत ज्यादा परेशान है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि अनाप शनाप शत्रुता न पाले, तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि शत्रुहंता योग इस माह नहीं बन रहा है, तो कोशिश करिए अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नया काम करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए नए काम की शुरुआत करने के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इस समय आपको नए काम कारोबार से बचना चाहिए, क्योंकि मार्च के महीने में वैसे तो स्थितियां ओवरऑल बढ़िया नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं पर नया निवेश यदि करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद निवेश करिए, इस मार्च के बाद तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें आमदनी और इच्छा पूर्ति की, तो आपकी आमदनी ठीक ठाक तरीके से चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आमदनी का मालिक 4-10 का संबंध बना करके बैठा है और उधर विपरीत योग भी बना है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको हर्डल्स अनुभव हो, लेकिन प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि आमदनी पूरा महीना आपकी ठीक ठाक बढ़िया तरीके से होती हुई दिखाई पड़ेगी। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। अगर धन की स्थिति देखें तो भैया धन लगातार आपके पास आता रहेगा पूरा महीना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी आप अनुभव नहीं करोगे, बुद्धि में आपके सकारात्मकता का वास रहेगा, जो डिसीजन लोगे दीर्घ काल में वो डिसीजन सभी आपके लिए बढ़िया साबित होंगे। अगर बात करें स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, पूरा महीना स्थिति आपके अनुकूल है, एक माइनस पॉइंट जरूर नजर आ रहा है, इसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। शनि को सूर्यदेव रोक रहे हैं, अस्त किए हुए हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन आपके आठवें भाव में बना हुआ है। निश्चित तौर पे शनि के दुष्प्रभाव से लगभग पूरा माह इस महीने भी आप बचे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आठवें भाव में इनकी जोड़ी बनी हुई है, तो भैया अगर गाड़ी वाहन सेल्फ ड्राइव करते हो, आपकी कर्क लग्न है या कर्क राशि है, तो ऐसे में चाहिए मार्च के महीने में गाड़ी वाहन संभल करके चलाएं, तो आपके लिए अच्छा है। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि सब सप्तम का योग सूर्य देवता बना करके धन की स्थिति को तो मजबूत करेंगे, तो कहीं ना कहीं वाणी दोष ज्यादा मात्रा में दे देंगे, तो कोशिश करिएगा वाणी संभल करके प्रयोग करिए, ताकि परिवार से अपनों से मतभेद का सामना आपको न करना पड़े, स्थिति और भी बेहतर बनती हुई आपको दिखाई पड़े। आपके दुख समापन की ओर रहेंगे इस माह भी, तो आप लकी राशि में से एक हैं, उपाय के स्वरूप गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करके आप और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।